हाय दोस्तों, मैं मंगल प्रसाद निषाद, आपका हमारे YouTube चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि आपके जो परीक्षा की तिथि है वह कब होगी और किस प्रकार से होगी। तो दोस्तों, इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारी अफवाहों के बारे में सुना होगा कि आपका जो परीक्षा होगा कब से होगा, कब से कब तक होगा। ढेर सारे जो है फालतू के आपके पास टाइम टेबल आए होंगे कि आपका कब से होगा। तो ये जो हम आपके बीच में शेयर करने वाले हैं दोस्तों, यह आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज का है। जी हाँ, हिंदुस्तान न्यूज में यह आया है। अब कहाँ तक सत्य है ये मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी एक हिंदुस्तान न्यूज पर आया है, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके जो परीक्षा होगी वह कब होगी और आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। उसके बाद इसमें हम जानेंगे कि आपके परीक्षा के नियम क्या होंगे और पेपर कितने, जब आपका पेपर होगा तो पेपर देने कितने समय पहले जाना होगा। अगर आपके ITI में कंप्यूटर नहीं है तो आपकी परीक्षा कैसे होगी। तो इस प्रकार से ढेर सारे सवाल जो आपके मन में हो रहे हैं, उन सभी सवालों के बारे में इसमें हम जानेंगे और आपका जो ये न्यूज़पेपर में आया है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं दोस्तों, यह हिंदुस्तान न्यूज का है, तो जिसमें आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ऊपर लिखा है, एग्ज़ाम 2020 4 जनवरी से ITI की ऑनलाइन परीक्षाएं जाने परीक्षा के नियम। तो दोस्तों, आपके जो ITI की परीक्षाएं होगी इसमें साफ साफ कर दिए गए हैं कि इस बार आपकी परीक्षाएँ जो है ऑनलाइन होगी, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र हैं। जी हाँ, जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनकी जो परीक्षाएं होंगी दोस्तों, उनकी ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। और जिन्होंने सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे थे, जी हाँ, जो लोग 4 सेमेस्टर की परीक्षा या प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे थे, उनकी सेमेस्टर की परीक्षाएं जो होगी दोस्तों, वे परीक्षाएँ ऑफलाइन होगी। तो उम्मीद है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ऑनलाइन जो परीक्षाएँ होंगी वह किस प्रकार से होगी, अगर आपके ITI में कंप्यूटर नहीं है तो कैसे होगी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आप वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप नीचे देख रहे हैं एग्ज़ाम 2020 4 जनवरी से ITI की ऑनलाइन परीक्षाएँ जाने इसके नियम। उसके बाद अब हम चलिए आगे देखते हैं। यह देख रहे हैं दोस्तों, यह जो है पेपर है सैटरडे दिसंबर 26, 2020 को यह पेपर है। आप इसको जाकर ई पेपर पर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है दोस्तों, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में 4 जनवरी से परीक्षाएं होगी। जी हाँ, इसमें तो साफ साफ कह दिया है कि आपकी जो परीक्षाएं होगी वह 4 जनवरी से होगी। इस दौरान जो परीक्षाएँ होगी दोस्तों, 1 वर्षीय और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम फाइनल परीक्षाएँ होगी। जी हाँ, पाठ्यक्रम जो है फाइनल की परीक्षाएँ होगी 1 वर्षीय और 2 वर्षीय। जिले में करीब 700 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। जी हाँ, जहाँ परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, अगर जैसे जिनके पास कंप्यूटर का वो नहीं है तो वहाँ पर परीक्षा केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र होंगे, 700 छात्र जो हैं परीक्षाएँ देंगे। कोरोना के कारण पहली बार परीक्षाएँ जो हैं ऑनलाइन हो रही है और ये NHR स्थित ITI के परीक्षा केंद्र में यह ऑनलाइन परीक्षाएँ होगी। जी हाँ, जितने भी परीक्षाएँ हों वह आपके सभी सेंटर में कराई जाएगी। अगर आपके पास जो है ऑनलाइन कंप्यूटर की व्यवस्था है तो आपके कॉलेज में पेपर होगा, अगर नहीं है तो दोस्तों आपकी जो परीक्षाएं होगी वह गवर्नमेंट ITI में कराई जाएगी। उसके बाद आगे है दोस्तों, यहाँ एक कक्ष में COVID-19 का पालन करते हुए कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, हर जगह पर जो है COVID-19 का पालन करने के लिए कंप्यूटर जो है लगाए जा रहे हैं। तो जब आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी तो आप को जो कंप्यूटर है वो सभी कंप्यूटर पे होगी। तो साथ ही साथ और भी दोस्तों, कितनी दूरी पे रहेगा ये सब भी तय किया जा रहा है। जी हाँ, जितने भी आपके पेपर होंगे दोस्तों कंप्यूटर पे होंगे। उसके बाद हर कंप्यूटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा। अब वार्षिक प्रणाली से परीक्षाएं ली जाएंगी, कोरोना के कारण परीक्षा तय समय पर नहीं हो सकी है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कोरोना के चलते परीक्षा जो है सही समय पे नहीं हो पाई है। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, आपके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं दोस्तों, परीक्षा केंद्र पर कोविड नियमों का सख्ती से पालन। जी हाँ, किस प्रकार से होगा। ITI प्रशासन का दावा है
कि परीक्षा केंद्र पर कोविड नियमों की सख्ती से पालन किया जाएगा और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ENH4 स्थित ITI में केंद्र बनाया गया है और जहां तकरीबन 400 छात्र जो हैं परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्र में कंप्यूटर एक दूसरे से दोस्तों 7 फुट की दूरी पर लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि कंप्यूटर पे जो परीक्षाएं होंगी उन दो कंप्यूटरों के बीच की जो दूरी रखी जाएगी साथियों वह आपकी 7 फीट, जी हाँ 7 फीट रखी जाएगी। सभी छात्र जो हैं मास्क का उपयोग करके आएंगे तभी उनको पेपर में बैठने दिया जाएगा, तभी वो पेपर दे सकते हैं। अगर वो मास्क पहनकर नहीं गए हैं तो पेपर पर जो है परीक्षा केंद्र में नहीं घुसने पाएंगे और पेपर भी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद परीक्षा केंद्र पर सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग का इंतजाम भी किया जाएगा। जी हाँ, आपका जहाँ पेपर होगा वहाँ पर सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग का जो है इंतजाम रहेगा। उसके बाद 1 वर्षीय और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के फाइनल परीक्षाएं जो है 4 जनवरी से होगी। 1-2 दिन में परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपका जो पेपर का समय हो वह 1-2 दिन में आपको घोषित करके बता दिया जाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। जी हाँ, और सतीश कुमार आप जानते हैं जो नोडल अधिकारी हैं परीक्षा अधिकारी परीक्षा ITI। उसके बाद परीक्षा के नियम कुछ हैं दोस्तों जो आपको जानने होंगे और इनके पालन भी करने होंगे। जैसा कि छात्र या कर्मचारी मोबाइल के साथ परीक्षा कक्ष में नहीं प्रवेश कर सकेंगे। सभी छात्र परीक्षा संबंधी सामग्री ही साथ लेकर आएंगे। परीक्षा शुरू होने से आपको दोस्तों आधा घंटा पहले जो है पहुंचना होगा और परीक्षा कक्ष में किसी अभिभावक व शिक्षक की अनुमति नहीं होगी। जैसे पहले होता था कि अभिभावक भी चले जाते थे और आपके शिक्षक भी जाते थे, इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रवेश पत्र प्रतिदिन साथ लाना होगा। जी हाँ, आप प्रतिदिन जो है प्रवेश पत्र ले जाएंगे तभी आप अंदर बैठने की अनुमति हो सकती है। तो परीक्षा से पहले अधीक्षक तय करेंगे तभी आपकी विषय की परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। तो ये रही न्यूज जो है। उसके बाद जब आपके टाइम टेबल आ जाएंगे दोस्तों तो फिर हम आपको बताएंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले न्यूज पाने के लिए।